नमस्कार दर्शकों को, अमर कुमार का नमस्कार। आज रेकी केंद्र में सेकंड डिग्री का क्लास है। आपने सुना है पहले भी फर्स्ट डिग्री का क्लास, अब ये सेकंड डिग्री का क्लास। जैसे बेसिक कोर्स को फर्स्ट डिग्री कहते हैं, सेकंड डिग्री एडवांस कोर्स को कहते हैं। फर्स्ट डिग्री के बारे में रिपीट करता हूँ जिससे नए दर्शकों को सुविधा हो समझने में। जीवन शक्ति का नाम रेकी है, अपने भीतर है। अगर इसकी लेवल कम हो जाए या इसका प्रवाह ठीक ना हो तो शरीर और मन में बीमारियां होती हैं। रेकी के दो दिन के क्लास में रेकी मास्टर का मेन काम जो होता है वो है जीवन शक्ति को बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित करने की क्षमता को देना। जो भी क्लास में आते हैं, अब तक आपने सैकड़ों लोगों से सुना होगा, जो भी क्लास में आते वो महसूस करते, हाथ गर्म होते एक बच्चा भी महसूस करता है। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा आती तो हाथ गर्म होने लगते, फिर वो गर्म हाथ को अपने ऊपर रखें तो अपनी चिकित्सा, किसी और पे रखें तो उनकी चिकित्सा कर पाते हैं। सेकेंड डिग्री में जब आते हैं तो बहुत कुछ करने की क्षमता है। अब ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, सेकंड डिग्री अनलिमिटेड कैपेबिलिटी देता है, ऐसी क्षमता जो सोची ही नहीं जाए एक साधारण इंसान से। क्या होता है यहाँ, पहले तो फर्स्ट डिग्री में जो पावर या एनर्जी मिली उससे चार गुना ज़्यादा पावर होता है। तो जहाँ बड़ी, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ बहुत जटिल समस्याएँ हैं, रोग की हो मन की हो, तो रेकी सेकंड डिग्री ज़्यादा काम करेगी। अब यहाँ पर सेकंड डिग्री में दूर से रेकी भेजने की क्षमता मिलती है और यहाँ पे समय का कोई बंधन नहीं है, मतलब भूत भविष्य वर्तमान में रेकी भेज सकते, ये क्षमता मिलती है। अब ये है क्या, शॉर्ट में समझिए। आप कहीं भी हों, किसी को भी किसी वजह से रेकी की ज़रूरत हो तो रेकी आप बैठे भेज सकते हैं। कोई बीमार है परिवार में, आप रेकी कहीं भी हो भेजकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप रेकी भेज सकते हैं किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ गई है, तो आप रेकी भेज करके उसमें सुधार ला सकते हैं। आप रेकी भेज सकते हैं दूर से, अपने बच्चे को एग्ज़ाम में सपोर्ट कर सकते हैं। आप रेकी अपने लिए भेज सकते हैं, आप खुद ही जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो रेकी को फ्यूचर में भेजना, मतलब इंटरव्यू का टाइम जब भी है उस वक्त तो आप बिज़ी हो जाएंगे, तो रेकी को पहले से भेजते हैं कि उस वक्त जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका इंटरव्यू अच्छे से हो, आप अच्छे से बातचीत कर पाएँ और जो आपके अंदर मेरिट है उसको उभार के रख सकें। ये हुआ फ्यूचर में भेजना। मैंने कहा भूतकाल में भी रेकी भेजते हैं, अद्भुत बातें हैं ये। जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स होती, नेगेटिव फीलिंग्स का मतलब आपको गुस्सा आया, आपको दुख है, आपको कोई गिल्ट फीलिंग है, अपराध बोध है। अब ये क्यों होता है, होता है इसलिए कि कुछ हुआ था, पहले कुछ हुआ था भूतकाल में, लेकिन उसकी याद आपको ये कष्ट देते हैं। तो रेकी भेजकर अपने भूतकाल में इन चीज़ों से मुक्ति पाना, क्या हुआ था ये तो याद रहता है लेकिन उसका इफ़ेक्ट वो कम हो जाता है, फिर मिट जाता है। एक जैसे कोई मूवी देख के आते, चलचित्र देख के आते, बात ख़त्म हो जाती है। वो चीज़ याद तो होगी कि मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव मिट जाएगा। सेकंड डिग्री में एक बात और है, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आते हैं, आज आपने देखा ध्यान करते हुए, ये ध्यान का स्तर बहुत गहरा, जो पहली बार भी आते हैं खो जाते हैं। वजह इसकी सिर्फ होती है रेकी, रेकी के साथ ध्यान की क्वालिटी बदल जाती है। और सेकंड डिग्री को तो हम कहते ही हैं वो बिगनिंग ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि जैसा आप में जो भी, जिनको भी स्पिरिचुअल, जिनकी रुचि जागी है, उनको पता है कि अपने मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति होती है, सेकंड डिग्री में ये स्पर्श कर सकती है और यहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। तो रेकी कर जरूर सीखें, अपने परिवार में अपनाएं, शुद्ध रेकी सीखें, जहां मौका मिले शुद्ध रेकी ज़रूर सीखें।
कहीं भी सीखें। रेकी केंद्र में आपका हमेशा स्वागत है, हर हफ्ते क्लास होता है। नमस्कार। गहरी सांस लेते रहें, फुल ब्रीदिंग। लगातार गहरी सांस, हर सांस के साथ जीवन शक्ति ग्रहण कर रहे हैं। सांस को छोड़ते वक्त शरीर और मन की गंदगियों को दूर करते जा रहे हैं। मन में ऐसी भावना और लगातार गहरी सांस। आइए आज का दिन शुरू करते हैं मेडिटेशन से, है ना। कल भी किया था आपने, आज कुछ और गहराई में जा पाएंगे। रेकी की एनर्जी जो आप फील कर रहे हैं इस रूम में बहुत है, है ना, और ये आपकी मदद करेगी। अपने घर में भी जब आप मेडिटेट करेंगे तो उस जगह पे धीरे धीरे देखेंगे एनर्जी की फीलिंग, और रेकी के साथ तो बहुत ही गहराई में जाना संभव होता है। आप में से बहुतों ने पहली बार मेडिटेट किया और जो कुछ एक्सपीरियंस कर पाए वो सच बहुत कम हो सकता है। कई सालों में लोग कोशिश करते नहीं होता है। शून्यता का वो बोध होना, वो अद्भुत स्थिति जब कुछ देर के लिए आप खो जाएं, कुछ देर के लिए एकाएक सन्नाटा हो जाए, कोई आवाज़ नहीं, गाड़ियों का हॉर्न नहीं, वो स्थिति, तो वो शुद्ध स्थिति जो है उसको याद रखना, है ना। आज के दिन फिर जब वहाँ पहुँचें उसके लिए लालच जगाना चाहिए। धीरे धीरे फिर मन जिस चीज़ की लालच करता फिर वहाँ ले जाता है। अच्छी मिठाई खाओ, लालच हुआ, अब दुकान खोज कर भी वो मिठाई खाते हैं, लालच ले जाती है। लालच उस स्थिति के लिए बनाओ, वो अद्भुत प्योर स्थिति जहाँ पे कुछ भी ना हो, ऐसा आभास हो, है ना, तो वो स्थिति मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करने की कोशिश, और जो बहुत आसानी से रेकी के साथ संभव होता है। आइए तब सीधे बैठे। मैं बैठा हूँ पद्मासन में, लेकिन ऐसे ही बैठना हो ये ज़रूरी नहीं। सीधे बैठे, कमर की ये जो स्पाइन है इसको सीधा रखें, दोनों हाथों को रिसेप्टिव ठीक रखा है आपने, दोनों उंगलियों को जोड़कर ज्ञान मुद्रा। अब आंखें बंद करें। अब जब तक ना कहूं आंखें बंद रखें, गहरी सांस लेंगे। पहले प्रभु को ध्यान में लाएं, कल्पना में देखें आप अपने प्रभु को। जिस भी धर्म के हों, जिस भी मजहब के हों, अपने प्रभु को याद करें, उनसे मांगें आपको दिव्य शांति दें जिसमें आप उनसे अपना कनेक्शन फील कर पाएं।
आप जो बैठे हुए हैं डॉक्टर्स, आप अपने पेशेंट को, आप जिनको भेजेंगे, आप इनसे पूछेंगे तो इनको पता चलेगा कि आपने रेकी भेजा और उसका यह असर हुआ, और इनफैक्ट आपको भी समझ में आएगा क्या ले रहा है और किस वक्त ले रहा है। चलिए 15 मिनट तक आप रेकी भेजने की प्रैक्टिस करें, डिस्टेंस रेकी की प्रैक्टिस करें, आंखें बंद करें। पेशेंट जो सोए हुए हैं वो भी एनर्जी को फील कर पाएंगे, आपके डॉक्टर जो आपको भेज रहे हैं इस वक्त जो बैठे हैं, आपके पूरे शरीर में एक एनर्जी का फ्लो समझ में आएगा।